हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेरिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। क्योंकि अभी आधुनिक भारत का बहुत ही तेज़ी से सीरीज चल रहा है, तो इसके मोस्टली 10-15 जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे उनके वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आने वाले 10-12 वीडियोस और आएंगे आधुनिक भारत के, तो लगभग हम लोग आधुनिक भारत के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। आज हम लोग जो आधुनिक भारत के एक स्पेशल चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमने वो परिस्थितियाँ देखी कि किन परिस्थितियों में भारत में आकर के अंग्रेजी कंपनी यहाँ पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के बाद उनकी जो शोषक नीतियाँ थी, जो राजनीति के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थी, इसका विरोध जो है छोटे बड़े स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे थे और कई छोटे छोटे दल भी बन रहे थे जो इनका विरोध करते थे। तो बात उठी कि क्यों न एक बड़ा दल बने जिसके माध्यम से अंग्रेजों के सामने चुनौती पेश हो सके। हालांकि इस बड़े दल का निर्माण जो है कांग्रेस का, वह ब्रिटिशर्स द्वारा प्रयास किया गया। आप एओ ह्यूम के नाम से परिचित होंगे। एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य रखा था सेफ्टी वॉल्व। वो चाहते थे कि जो छोटे छोटे स्तर पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं वो न हो, और एक सम्मिलित रूप में एक आज्ञा पत्र, एक अनुरोध पत्र के माध्यम से जो है उनका जो है रिक्वेस्ट आए हमारे पास, ताकि हम उनको मैनेज कर सके। इसी क्रम में एओ ह्यूम ने एक सेफ्टी वॉल्व, एक सुरक्षा घेरा, एक सुरक्षात्मक रणनीति वाला एक संस्था बनाने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना का प्रयास किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक आंदोलन में कांग्रेस कितना व्यापक हो जाएगा और इसके विभिन्न अधिवेशन के माध्यम से, विभिन्न आंदोलनों में इसके प्रारूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक विशेष नया रास्ता तैयार हो जाएगा। तो शुरू में भले ही इसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में यूज किया गया हो, लेकिन धीरे धीरे करके राष्ट्रीय कांग्रेस वह संस्था बन गई भारतीय इतिहास में जिसने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण अध्याय जो है लिखा है। तो आज हम लोग स्पेशली इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके कुछ प्रमुख अधिवेशन, इसके कुछ प्रमुख बिंदु, इससे संबंधित कुछ तथ्य, जहां से आते हैं बहुत सारे प्रश्न, उस पर चर्चा करेंगे और उसे वीडियो देखते देखते याद भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कुछ प्रमुख तथ्य या प्रमुख बिंदु पे, जिन बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसकी स्थापना कब हुई, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और फिर आगे के पॉइंट्स देखते हैं। संस्थापक तो एओ ह्यूम थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक पॉइंट्स आपको निश्चित रूप से याद हो, लेकिन एक रिकॉलिंग के लिए ही सही, हम लोग इसे जरूर देखेंगे। स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। इसके जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम थे। एओ ह्यूम कौन थे? तो वह ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे जो भारत में एक अधिकारी पद पर कार्य कर चुके थे। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है कुछ एग्जाम में कि एओ ह्यूम जिसने कांग्रेस की स्थापना की वे कौन थे। तो वो एक स्कॉटलैंड निवासी अवकाश प्राप्त यानी रिटायर्ड सर्विसमैन थे, अवकाश प्राप्त अधिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने 1884 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना उन्होंने की थी। बाद में ही इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। तो एओ ह्यूम, स्थान की बात करें तो बंबई में इसकी पहली बैठक हुई, अर्थात कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई। हालांकि इसके पहले बैठक का प्रयास जो है वो पुणे में रखने का प्रयास किया गया था, लेकिन हुआ था पहला बैठक कहाँ? बंबई में। बंबई में स्पेशली ये कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो मुंबई में था, उसी में इसकी पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न आए हैं कि पहली बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था, यहाँ तक कि कई पीसीएस में ये प्रश्न पूछे गए। तो स्थान में अगर आपसे पूछा जाए तो बंबई में और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। नामकरण की बात आती है कि इसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा। तो दादा भाई नौरोजी को आप लोग भली भांति परिचित होंगे। दादा भाई नौरोजी एज ए ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वायोवृद्ध नेता के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्होंने ही इसे
नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। हालांकि इससे पहले एवो ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी और यही नाम रखा गया था। तो एक प्रश्न यहां से ये भी बन जाता है कि कांग्रेस की पूर्वगामी कौन सी संस्था थी जिसने कांग्रेस की पृष्ठभूमि बनाई, तो यही थी भारतीय राष्ट्रीय संघ थी, जिसे बाद में कन्वर्ट करके इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में स्थापित किया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं। इसके अलावा जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत में ब्रिटिश के गवर्नर जनरल जिसे वायसराय कहा जाता था वो कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, जो 1884 से 1888 तक भारत में वायसराय के पद पर रहे। तो उम्मीद करते हैं ये बेसिक पॉइंट आपको रिकॉल हो गए होंगे। स्थापना 85 में, संस्थापक एवो ह्यूम, इसके पहले अध्यक्ष तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे तो डब्ल्यू सी बैनर्जी मिलेंगे, स्थान तो बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और नामकरण दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था और वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे। अब आते हैं कांग्रेस के निर्माण से लेकर के कांग्रेस के समाप्ति तक के बीच में कुछ भारतीय और कुछ विदेशियों ने, खास करके गवर्नर जनरलों ने, इसके संबंध में कुछ बातें कही हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। जिस समय डफरिन के समय इसकी स्थापना हुई तो डफरिन के समय उन्होंने, डफरिन ने कहा, चूंकि कांग्रेस की संख्या यहां ध्यान से देखेंगे तो प्रथम सम्मेलन में मात्र 72 सदस्यों ने भाग लिया। इस चीज को देखते हुए डफरिन ने आलोचना की, व्यंग कसा कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस को उन्होंने कह के बुलाया कि यह सूक्ष्मदर्शी है और अल्पसंख्यकों की संख्या है, मतलब इसमें संख्या क्या है, कम है। यह एक आलोचना के रूप में कहा। उसके बाद एक और ब्रिटिश गवर्नर जनरल या वायसराय कर्जन, जो बंगाल विभाजन का जनक माना जाता है, उसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मेरी यह दिली इच्छा है कि मैं इसे बैठ करके देखूं। तो इस प्रश्न को भी कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि डफरिन ने क्या कहा था, तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस, और कर्जन ने कहा कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए अपने पतन की ओर जा रही है और मेरी यह इच्छा है कि मैं इसका सहयोग करूं। ठीक है, अब कुछ भारतीयों में बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो स्टार्टिंग में कांग्रेस में ज़्यादातर नरम दल के नेता थे, वैसे नेता थे जो एग्रेशन में विश्वास नहीं करते थे, जो क्रांति में विश्वास नहीं करते थे, वह मांगने और याचना करने की नीति में विश्वास करते थे। यही कारण था कि बाल गंगाधर तिलक जो गरम दल के नेता थे उन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था के रूप में पुकारा कि कांग्रेस क्या करती है, भिक्षा मांगती है, ब्रिटिशर्स के सामने अपने प्रस्ताव ऐसे रखती है जैसे कि वो भिक्षा मांग रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी आलोचना की थी और उन्होंने इसे भीख मांगने वाली संस्था का नाम दिया था। बात करते हैं फिरोज शाह मेहता की, तो फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के संबंध में कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह उसका प्रतिनिधित्व करता है जो उसमें सदस्य है। ऐसे में कांग्रेस की आवाज को पूरे भारत की आवाज नहीं मानना चाहिए। तो यहां से भी एक प्रश्न आता है कि किसने कहा है, तो फिरोज शाह मेहता ने कहा है कि कांग्रेस की आवाज पूरे भारत की आवाज नहीं है। ये आलोचनाएं चाहे जितनी भी रहे लेकिन कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है 1947 में, तो गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ये प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त करने के संबंध में सुझाव किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। क्यों दिया था, तो गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस की स्थापना का मूल उद्देश्य था देश को आज़ाद कराना। यदि देश को आज़ादी अब मिल गई है तो यह अपने उद्देश्यों में सफल हो चुका है, अतः इस संस्था को अब समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस भारत के पूरे वर्गों में एक विशेष पहचान बना चुका था, इसलिए गांधी जी के इस सुझाव को नकार दिया गया और कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी के रूप में बनी रह गई। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव में टू द पॉइंट आएंगे ये आपको याद हो गए होंगे।
डफरिन सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, करजन कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, तिलक भीख मांगने वाली संस्था, फिरोज शाह मेहता कांग्रेस पूरे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अर्थात कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है और गांधी जी कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा सुझाव उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिए थे। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स पे कि कांग्रेस जो संस्था थी हर साल लगभग दिसंबर के समय में, अधिकांशतः दिसंबर में ही होता था, कभी कभी विशेष अधिवेशन बीच में बुलाए जाते थे, तो दिसंबर में यह बैठक आयोजित होता था जिसे अधिवेशन के रूप में जाना जाता है और इसे प्रथम अधिवेशन द्वितीय अधिवेशन के रूप में जाना जाता है और उनके वर्ष के रूप में जाना जाता है कि किस वर्ष में कहां अधिवेशन हुआ। तो इससे कई प्रश्न बनते हैं, जो अधिवेशन ऐसे तो 1885 से लेकर के 1947 आज़ादी तक प्रतिवर्ष जो है अधिवेशन हुए, लेकिन अब आपको याद ये रखना है उन अधिवेशनों को जिन अधिवेशनों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कुछ शॉर्ट लिस्टेड किए हैं और इसके बाद भी कुछ बचे हैं उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं वे अधिवेशन जिन अधिवेशनों को कहाँ पर आयोजित किया गया, स्थान, उनके अध्यक्ष कौन थे और उन अधिवेशनों की क्या थी प्रमुख विशेषता जिनसे आ सकते हैं प्रश्न। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम अधिवेशन, चूंकि 1885 में ही स्थापना हुई थी तो इसलिए प्रथम अधिवेशन 1885 में ही बंबई में की गई, चूंकि स्थापना कहाँ, बंबई में, तो इसी तेजपाल संस्कृत विद्यालय में जो है इसका पहला बैठक हुआ और WC बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें जो है अध्यक्ष बनाया गया। इस अध्यक्षता की कुछ विशेषता ये रही कि इस अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रश्न BPSC द्वारा पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, तो 72। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि WC बनर्जी जो प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे वही प्रथम अधिवेशन के समय महासचिव कौन बने थे, तो AO ह्यूम बने थे जो कांग्रेस के संस्थापक थे। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, 72 सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी, और महासचिव कौन थे, AO ह्यूम। अब अगर भारत का आप मैप ध्यान से देखेंगे तो इस मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बंबई में पहला अधिवेशन होता है, दूसरा यहाँ से सीधा कलकत्ता में होता है, तीसरा यहाँ से मद्रास में, चौथा यहाँ से जा करके इलाहाबाद में होता है, और इस तरह से ये अधिवेशन विभिन्न जगहों पर किए जाते रहे। ये क्रम से आपको दिखाई देंगे अलग अलग जगहों पर हो रहे। कभी सोचा आपने कि ये क्यों ऐसा किया जाता था? ऐसा इसलिए किया जाता था कि कांग्रेस को किसी एक क्षेत्र की पार्टी न बनाया जाए, अधिक से अधिक जगहों पर अगर सम्मेलन होगा तो अधिक से अधिक लोग कांग्रेस में जुड़ सकेंगे और कांग्रेस का जो स्वरूप है वो बड़ा हो सकेगा, तो दृढ़ता के साथ अंग्रेजों के सामने मांगे रखी जा सकेगी। और इसके लिए उन्होंने न केवल स्थान अलग अलग चुने बल्कि उन्होंने अध्यक्ष भी अलग अलग चुने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले अध्यक्ष हिंदू थे, दूसरे अध्यक्ष पारसी थे, तीसरे अध्यक्ष मुस्लिम थे, चौथे अध्यक्ष ईसाई थे। क्या किया गया, इनको संप्रदाय के स्तर पर अलग अलग अध्यक्ष चुने गए ताकि हर संप्रदाय के लोगों को यह लगे कि कांग्रेस उनकी पार्टी है और कांग्रेस का विकास संभव हो सके और देश के लिए जो एक बड़ी पार्टी बनाने का सपना है वो पूरा हो सके। खैर, आइए हम लोग जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले अधिवेशन को आपने समझा, अब आते हैं दूसरा 1886, जस्ट एक साल बाद। ये कलकत्ता में हुआ, अभी मैंने आपको मैप में भी दिखाया है, यहाँ पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। तो कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी जो पारसी थे और इनको वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है वो अध्यक्ष बने। इनके संबंध में एक खासियत ये याद रखना है कि ये तीन बार कुल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये तीन बार कांग्रेस के कुल अध्यक्ष बने थे, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आते हैं 1887, जो तीसरा सम्मेलन था, अभी हमने देखा मैप पे मद्रास में हुआ,
और इसके जो अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी से थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में इनसे प्रश्न अब तक ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था के अध्यक्ष थे। अब आ जाइए चौथा अधिवेशन 88। ये चार आपको क्रम से याद रखने हैं, ठीक है। 85, 86, 87, 88। 88 कहाँ हो रहा है? इलाहाबाद में। और आपने पढ़ा भी है कि अभी इलाहाबाद का नाम जो है चेंज करके प्रयागराज किया जा रहा है। तो जॉर्ज यूले प्रथम ब्रिटिश थे, या कह सकते हैं कि प्रथम गैर भारतीय थे जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और कांग्रेस के पूरे स्वतंत्रता तक के इतिहास में देखें तो कुल चार ऐसे विदेशी थे जिन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। तो चारों के नाम बहुत कम पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि प्रथम ब्रिटिश या प्रथम गैर भारतीय कौन थे जिन्हें कांग्रेस की अध्यक्षता का कार्य मिला था। जॉर्ज यूले कब? 88 में चौथे सम्मेलन में और इलाहाबाद में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो उम्मीद करते हैं ये चार एक साथ आपने याद किया होगा और ये याद हो गया। अब आते हैं आगे 1896 का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में इसमें पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो वंदे मातरम गीत आज कई बार हमारे देश में सहिष्णुता जैसे मुद्दे उठ करके आते हैं कि हम भारत में हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, इस तरह की बातें आती हैं। देखिए, हमारे इतिहास में छुपा हुआ है कि हम सब एक थे। रहीमतुल्ला सयानी मुस्लिम कम्युनिटी से और उस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया जा रहा है। यहाँ नहीं था हिंदू मुस्लिम की बातें, क्योंकि इनकी ही अध्यक्षता में वंदे मातरम पहली बार गाया जा रहा है। तो ज़रूरत नहीं है, खैर हम लोग अदर मैटर पे नहीं जाएं, लेकिन आप याद रख सकते हैं 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। याद इसलिए रखना है कि 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, याद होगा बंकिम चंद चटर्जी द्वारा रचित है। और जब आगे पढ़ेंगे 1911 में कलकत्ता में ही पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो दोनों जो हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हैं दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। 1896 में जब गाया गया था तो वंदे मातरम गाया गया था और रहीमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्ष थे, और 1911 में जब कलकत्ता में गाया गया था जनगण मन तो उस समय बिशन नारायण धर जो है इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आते हैं 1905, ये इंपॉर्टेंट है। 1905 में आपको याद होगा बंगाल में करजन ने बंगाल विभाजन किया था और बंगाल को हिंदू मुस्लिमों को तोड़ने के लिए दो भागों में बांट दिया था। तो 1905 में वाराणसी में इसके लिए विरोध प्रकट करने के लिए कांग्रेस का सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के गुरु माने जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में वाराणसी में 1905 में यह जो है बैठक आयोजित हुआ, सम्मेलन आयोजित हुआ, और इसमें वही स्वदेशी आंदोलन जो बंग भंग आंदोलन पर आधारित था, आंदोलन का समर्थन किया गया और प्रयास किया गया कि बंग भंग आंदोलन को और तेज बनाया जा सके। तो इसे याद रख सकते हैं 1905 का अधिवेशन वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन को समर्थन दिया गया। जस्ट उसके एक साल बाद, ये लगातार तीन याद करना है। अब देखिए, याद करने का सिंपल सा तरीका, ये शुरू के चार एक साथ, ये 96 और 1911 को एक साथ, और 1905, 1906 और 1907 को एक साथ। आते हैं 1906 में कलकत्ता में हुआ, और अभी हमने पढ़ा था कि 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, तो दादा भाई नौरोजी। और पहली बार कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, यानी स्वयं के द्वारा शासन। तो स्वराज शब्द का पहला प्रयोग किस अधिवेशन में हुआ? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नौरोजी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए 1907, जस्ट उसके एक साल बाद। इस समय तक माहौल बिल्कुल भारत में गर्म हो चुका था।
कांग्रेस में दो प्रकार के दल बन चुके थे। एक एग्रेसिव दल था जो चाहते थे कि सरकार के साथ संघर्ष करके हम अपनी स्वतंत्रता को जीत ले, और एक दल वो था जो सरकार के सामने अपनी मांगों को रखते थे और सरकार से अपनी मांगों को मानने के लिए प्रार्थना करते थे। तो जो प्रार्थना करने वाले दल थे वो नरम दल कहलाने लगे थे और जो एग्रेसिव दल थे वो गरम दल कहलाने लगे थे। तो 1907 में जब सूरत में अधिवेशन हुआ, बहुत ही फेमस है, याद रखेंगे 1907 का सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। दो भाग, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गया, क्योंकि दोनों की जो रणनीतियां थी वो मैच नहीं कर रही थी, इसके कारण दो दल टूट गए। नरम दल वाले अंदर रह गए, गरम दल वाले बाहर चले गए। फिर 1911 का आता है, तो 1911 में हमने अभी देखा कि 96 के साथ ऐड कर देंगे, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, बिशन नारायण धर के नेतृत्व में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखे गए जनगण मन को जो है पहली बार जो है गाया गया, इसे मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है। और आपको पता होगा कि बाद में हमारे राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को अपनाया गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गीतों को दो देशों में जो है राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, एक बांग्लादेश में आमार सोनार बांग्ला और भारत में जनगण मन के रूप में। अब आते हैं 1916 और 1917, इसको साथ में याद करेंगे। 1916 लखनऊ में हुआ, इसे लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार जो थे वो अध्यक्ष बने, और इस बार बहुत अच्छी चीज़ हुई कि जो गरम और नरम दल अलग हो गए थे 1907 में सूरत में, सात सूरत काफ़ी कॉम्बिनेशन बैठता है तो ऐसे कॉम्बिनेशन बैठा बैठा के याद करना चाहिए, तो सात में सूरत में जो अलग हो गए थे वो लखनऊ में आकर के 1916 में एक हो जाते हैं। न केवल गरम और नरम दल एक होते हैं बल्कि मुस्लिम लीग, जिसका गठन 1906 में हुआ था और मुस्लिम कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था, उस मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी गठन यानी मिलन हो जाता है। तो ये लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में और कांग्रेस और लीग का जो है समझौता हो गया, गरम और नरम दल का समझौता हो गया। और इसी बार जब तिलक, जो गरम दल के नेता थे, वो लंबे समय से कांग्रेस से बाहर चल रहे थे 1907 से ही, 1916 वाले अधिवेशन में कहते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो दो प्रश्न बनेंगे, स्वराज शब्द जो स्वदेशी से जुड़ा हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, स्वराज से जुड़ा हुआ शब्द जो है वो पहली बार 1906 में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कांग्रेस में बोला गया, लेकिन अगर आपसे ये प्रश्न आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेके रहूंगा, ये किसने कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। किस अधिवेशन में? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। अब जस्ट इसके एक साल बाद गरम और नरम दल एक हो चुके हैं, 1917 कलकत्ता। कलकत्ता इसलिए आपको बार बार मिल रहा है क्योंकि कलकत्ता जो है उस समय ब्रिटिशर्स के समय प्रमुख केंद्र हुआ करता था भारत में, और बाद में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तो पहले तो कलकत्ता ही था। तो कुल 10 अधिवेशन आज़ादी से पहले कलकत्ता में हुए थे। तो सबसे अधिक अधिवेशन अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ हुए थे तो कलकत्ता में हुए थे। तो 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और एनी बेसेंट, आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, आयरिश महिला, आयरलैंड की रहने वाली महिला थी और भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। बाद में इन्होंने जो है घर का शासन, होम रूल आंदोलन जो है इन्होंने चलाया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी सहयोगी थे। तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया, जो एनी बेसेंट भारत के कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। तो यहाँ से प्रश्न कई पीसीएस में आए और कई बार कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, मतलब कई बार ये पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए, तो एनी बेसेंट। कई बार ये पूछा जाएगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बताइए, तो सरोजनी नायडू। और अगर ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस के पूरे अधिवेशन में टोटल 3 महिलाएँ जो हैं अध्यक्ष बनती हैं। एनी बेसेंट बनती है 1917 में,
सरोजनी नायडू बनती हैं 1925 में और नलिनी सेन गुप्ता 1933 में बनती है, और इस तरह से कुल तीन महिलाओं को अवसर मिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने के लिए। याद करने के लिए 1917 से 1925 कितना जोड़ेंगे आप, 8, और उसमें 8 ऐड करेंगे तो पहुंच जाएंगे 1933, और इस तरह से आप याद कर पाएंगे कि ये 8-8 वर्ष के बाद तीन महिलाओं को कांग्रेस की अध्यक्षता का मौका मिला। अब 4-5 और हैं अधिवेशन, तो आते हैं उसको, हम लोग इसको मिटा के फिर उसकी ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये जो बचे हुए कुछ अधिवेशन और हैं इनको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये जो हमारा कांग्रेस चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमने 1917 तक के अधिवेशन देख लिए थे, अब आते हैं 1920 का अधिवेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि आपको याद होगा 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो उस आंदोलन को देखते हुए कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन जो है वो बुलाया गया, जो कि मध्यकाल में ही बुला लिया गया था। तो 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इस अधिवेशन में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो कांग्रेस ने पारित नहीं किया, अर्थात असहयोग आंदोलन करने की मंजूरी जो है वो नहीं मिली। हालांकि गांधी जी दृढ़ निश्चयी थे कि हम आंदोलन तो करेंगे। परिणाम स्वरूप जो उनका वार्षिक अधिवेशन होता था वो हुआ 1920 में नागपुर में, और नागपुर में वीर राघवाचारी जो है अध्यक्ष बने, और इसमें यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि असहयोग आंदोलन को समर्थन जो है वो कांग्रेस देगा। तो यहाँ से दो पॉइंट, 1920 में एक अधिवेशन, मध्य में विशेष रूप से उसको वार्षिक नहीं बोलेंगे, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में, और जो वार्षिक अधिवेशन जो हर साल होता था दिसंबर में वो हुआ नागपुर में। जो विशेष अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, और जो वार्षिक हुआ उसके वीर राघवाचारी। पहले में असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और दूसरे नागपुर वाले में प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। अब आते हैं 1924, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां से। 1924 में जो अधिवेशन हुआ वह 40वां अधिवेशन था, यानी कांग्रेस के क्रम से अगर देखें तो यह 40वां अधिवेशन था, जो कि बेलगांव में हुआ, जो कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कर्नाटक में इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, और यहां से इसलिए प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने अपने पूरे जीवन काल में एकमात्र बार कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने की थी। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की, कहाँ की, कितना वाला अधिवेशन था। तो 1924 में 40वां अधिवेशन बेलगांव, और कितने बार बने, तो मात्र एक बार, जस्ट उसके एक साल बाद। अब इन दोनों को एक साथ याद करना है, इसको अकेले याद करना है। जस्ट उसके एक साल बाद 1925 अधिवेशन कानपुर में, और सरोजनी नायडू इसमें अध्यक्ष चुनी गई, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अभी हमने चर्चा किया था कि तीन महिला अध्यक्ष बने कांग्रेस में, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, एक 17 में, एक 25 में और एक 33 में। तो ये 25 में जो बनी, यहाँ से भी प्रश्न आता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी, तो सरोजनी नायडू, और अगर सीधा पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट। तो याद रख सकते हैं 1924 के साथ इसे अटैच करके पढ़ेंगे 1925, और आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। अब 1929 और 1931 को एक साथ याद कर लेंगे। 1929 बहुत फेमस है, लाहौर अधिवेशन, रावी नदी के तट पे लाहौर में ये अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने इस अध्यक्षता में यह कहा कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए। यही सबसे बड़ा प्रश्न पूछता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया था। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, और इसी अधिवेशन में यह तय किया गया कि आने वाली 26 जनवरी अर्थात 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया जाएगा। और यह दिन इतना स्पेशल हो गया कि देश को आज़ादी के बाद इसी 26 जनवरी को स्पेशल डे मानते हुए हमारा जो संविधान पूर्णतः लागू करने की बात आई, तो 26 जनवरी को लागू हुआ। तो
तो इस 26 जनवरी 1950 की घटना की जड़ें 20 साल पहले 1930 से जुड़ी हुई है। तो आसानी से याद कर सकते हैं, 1929 लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब आते हैं उसके एक साल गैप करके 1931 वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कराची में, अब एक पाकिस्तान के लाहौर शहर में और एक पाकिस्तान के कराची शहर में, दोनों पाकिस्तान, एक हमारे प्रधानमंत्री एक हमारे उप प्रधानमंत्री, आराम से याद कर सकते हैं 29 और 31। तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हमने देख लिया, अब वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में देखते हैं। तो यहाँ हमने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, यहाँ हमने मौलिक अधिकारों की मांग रखी, यानी कांग्रेस ने पहली बार मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को कब पारित किया, तो 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ये प्रश्न भी आ सकता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में ये बात कही थी। तो गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं, ये गांधी जी ने 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। अब आते हैं 1937 फैजपुर में हुआ था, यूपी में फैजपुर, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, फिर अल्टरनेट करके यही आए 1937 में। ये पहला अवसर था कि कांग्रेस का अधिवेशन किसी गांव में आयोजित किया गया। इसका मूल कारण ये था कि शहरी स्तर पे तो जनाधार मजबूत हो चुका था कांग्रेस का, ग्रामीण स्तर पर भी जनाधार मजबूत करने की जरूरत थी, गांव के जो आम नागरिक थे उसको भी कांग्रेस से जोड़ने की जरूरत थी ताकि कांग्रेस का जो आधार है वो और मजबूत हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फैजपुर में ग्रामीण क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अधिवेशन बुलाया गया और ये पहला अवसर था कि अधिवेशन गाँव में आयोजित हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट 1938 और 1939, ये दो साल लगातार सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने। तो ये प्रश्न आता है सुभाष चंद्र बोस कब कब बने, 1938 में और 1939 में। सुभाष चंद्र बोस 1938 में जब अध्यक्ष बने तो हरिपुरा गुजरात त्रिपुरी एमपी, ये दो जगह पे उन्होंने अध्यक्षता की, हरिपुरा में और त्रिपुरी में, हरिपुरा और त्रिपुरी 1938 और 1939। सुभाष चंद्र की बोस की अध्यक्षता में जब पहली बार 1938 में वह बने तो एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और प्लानिंग कमीशन पढ़ते हैं तो वहाँ की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई है। भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में। उस 1938 की अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने, कहाँ की थी, हरिपुरा में। जब त्रिपुरी में वे दोबारा चुनाव में खड़े हुए अर्थात दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए खड़े हुए तो गांधी जी के नेतृत्व वाले, गांधी जी के समर्थन वाले पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने पराजित करके इस अध्यक्ष पद को प्राप्त किया, लेकिन बाद में उन्होंने गांधी जी का मान रखते हुए उन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया। और जब वह त्याग पत्र दे देते हैं तो त्याग पत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में अपने अध्यक्षता से त्याग पत्र देते हैं तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद, और किन्हें उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में पराजित करके सत्ता प्राप्त की थी, यानी अध्यक्ष पद प्राप्त किया था, तो पट्टाभी सीतारमैया। अब आ जाते हैं 1940 से 1945 मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि वह दौर था जब आप पढ़ेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस की बैठक हो रही है, तो उस समय एक ही अध्यक्ष पूरे इस काल के लिए रहे, अबुल कलाम आज़ाद, पहले शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के एक प्रमुख व्यक्ति भी रहे। और एक प्रश्न आता है कि सबसे लंबे समय तक लगातार अध्यक्ष बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ,
तो अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेके 1945 छः साल तक लगातार जो है यह अध्यक्ष पद पर रहे, और इसके अलावा वे सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। जब 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था तो उस समय भी अबुल कलाम आज़ाद ने अध्यक्षता की थी और सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे। ये प्रश्न भी कई एग्जाम में आए हैं और आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आप याद रखेंगे कि 1940 से 45 तक अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे और 1923 के दिल्ली अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष भी अबुल कलाम आज़ाद ही रखे। उसके बाद 1945 के बाद 1946 से 1947 के बीच का दौर रहा, जिसमें 46 के दिसंबर में अधिवेशन हुआ जो कि मेरठ में हुआ और जेबी कृपलानी के नेतृत्व में हुआ। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। उससे पिछले साल मेरठ में जब बैठक हुई थी 1946 में, तो उसकी अध्यक्षता जो है वो जेबी कृपलानी ने की थी। और यहाँ से प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे जो स्वतंत्रता के समय थे। लेकिन स्वतंत्र भारत होने के बाद दिसंबर में उन्होंने ये पद छोड़ दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद सीधे डायरेक्ट बैठक 1948 में हुई और यह बैठक था 55वां बैठक। अभी तक कुल 54 बैठक हो चुके थे, जिसमें ये 54वां बैठक 1946 में मेरठ में हुआ था। 55वीं बैठक जयपुर में हुई और पट्टाभी सीतारमैया, वही पट्टाभी सीतारमैया जो कभी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिद्वंदी थे 1939 के अध्यक्ष पद के लिए, तो पट्टाभी सीतारमैया 55वें अध्यक्ष बने। तो यहाँ दोनों पॉइंट से क्या प्रश्न आएंगे उसको ध्यान से देखिए। एक आएगा कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, और दूसरा आएगा आज़ादी के बाद हुए 1948 के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने? पट्टाभी सीतारमैया। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में कुछ समय के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लंबे समय तक अध्यक्ष इसलिए नहीं रहे क्योंकि आप पढ़े होंगे कि वो जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा की अध्यक्षता करते कि कांग्रेस की, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहे। तो इस प्रकार से हमने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, महत्वपूर्ण बिंदु और महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही बखूबी तरीके से देखा है। अब आपका यह ड्यूटी बनता है कि इस पूरे वीडियो को दो बार कम से कम देखें, क्योंकि जो आंकड़े आपको ये दिखाई दे रहे हैं अभी आसान लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे, पेन डाउन नहीं करेंगे, थोड़ा सोचेंगे नहीं, तो ये निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे और कन्फ्यूज हो जाएंगे कि 1924 वाले में क्या हुआ था, तो 1923 वाले में क्या हुआ था। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको कम से कम दो बार देखें, और अगर ये पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से कमेंट करें। चलिए आपके लिए एक प्रश्न मैं अभी छोड़ जाता हूँ, आपको फिर से बताना है। मैंने यहाँ पे एक चर्चा भी किया था कि नलिनी सेन गुप्ता जो तीसरी महिला थी अध्यक्ष बनी थी, उनकी अध्यक्षता कहाँ हुई थी। तो ये प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा यदि आप सिंसियरली पढ़ाई कर रहे होंगे तो, क्योंकि हमारा सपना है आपको कुछ बनते हुए देखना, जो कि केवल ना तो मेरे पढ़ाने से बन सकता है बल्कि आपके पढ़ने से बनेंगे आप। तो इसलिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली से जुड़ने के लिए।